ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे थे जो बाढ़ की चपेट में आने की वजह से सब कुछ तबाह हो गया था। लोगों के खाने पीने के सामान, कपड़ा, बर्तन, यहाँ तक कि घर भी बाढ़ की भेंट चढ़ गया था। इन बाढ़ पीड़ितों की मदद सारा देश कर रहा है, हर जगह से इनके लिए मदद के हाथ उठ रहे हैं। आपको बता दें कि कोल्हापुर, सांगली, पुणे, रायगढ़, सतारा, ये जिले बाढ़ग्रस्त थे। जमीते उलमा हिंद के लोगों ने इन बाढ़ पीड़ितों की मदद वहाँ जाकर की और इन लोगों को खाने पीने की चीज़ें तो मिल रही थी मगर इनका आशियाना यानी कि घर टूट चुका था। इसलिए जमीते उलमा हिंद महाराष्ट्र ने इन लोगों को घर बनाकर देने के लिए सामने आई है। मुमरा के जमीते उलमा हिंद के सदर मौलाना वहाब कासमी ने इन बाढ़ पीड़ितों को घर बनाकर देने के बारे में क्या कुछ कहा है। चादर, कंबल, बर्तन, राशन वगैरह जो भी ज़रूरत थी उनको वहाँ दी जा रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो सारा काम हो गया है। लेकिन अब जो जमीतुल्मा महाराष्ट्र का जो मेन काम है जिसके लिए जमीतुल्मा जानी जाती है वो बाद आबाद कारी का है, यानी पुनः निर्माण का है। जिनके मकानात बह गए हैं, जिनके टूट गए हैं और ख़राब हो गए हैं, जमीतुल्मा महाराष्ट्र ने अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग किया है और उनके मकानात को दोबारा तामीर करके जमीतुल्मा महाराष्ट्र देगी। आपके तंजीम की तरफ लगभग जो कितने मकान बनाकर देने की, अब वहाँ पे हमारे सर्वेयर गए हुए हैं, वो सर्वे करेंगे और कितने नए मकानात बनाना है और कितनी जो है उनकी मरम्मत करनी है और उनको सही करना है वो रिपोर्ट आ जाएगी। वैसे अंदाज़ा ये है कि कम से कम महाराष्ट्र जमीयत 400 से 500 मकान बना करके देगी। मौलाना साहब, सांगली, कोल्हापुर जैसे कई इलाके से बाढ़ पीड़ित हैं, आप लोग वहाँ मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मुमरा में भी जो बाढ़ आई थी तो उसमें कई लोगों का नुकसान हुआ था, बहुत से एरिया ऐसे थे मुमरा में काफ़ी लोग परेशान हो गए थे, तो आपकी तंजीम की तरफ से क्या उन लोगों को मदद पहुँचाएगी? असल में मुमरा में जो बाढ़ आई थी वो इतनी ज़्यादा तबाहकुन नहीं थी क्योंकि पानी आया था घरों में, पानी निकल गया और यहाँ की जो समाजी तंजीमें हैं, सियासी जमातें हैं, उन लोगों ने उनके लिए किया। लेकिन इसकी जो सूरत हाल है सांगली, कोल्हापुर, इशल, किरंजी वगैरह, यहाँ तो तबाही है। हम खुद सर्वे के लिए गए थे, आप तो थे जब हम जा रहे थे, हमारा वफद गया हुआ था, हम लोगों ने वहाँ पर देखा कि 2 मंजिला जो इमारत है उसके ऊपर तकरीबन 2 से 2.5 फुट पानी ऊपर बह रहा था। उनके पूरे मकानात बिल्कुल सब ढह गए थे और सामान जो है पूरा जो है ख़राब हो गया था। तो वहाँ के जो हालात हैं, जिस हिसाब से मुमरा शहर में कोलीवाड़ा है, चांदनगर है, ये एरिए काफ़ी डूबे हुए थे पानी में, तो कुछ तो मदद आपकी तंजीम किसी के तरफ से करना चाहिए था ना। वहाँ के लोग ऐसा नहीं, मुमरा शहर में आप रहते हैं और आपने यहाँ मदद नहीं की, और सांगली में, कोल्हापुर में मदद करें अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मुमरा में भी आपके तंजीम को जो है मदद के लिए आगे आना चाहिए था ना। अरे मुमरा में जो तबाही आई थी उसका जो तखमीना है ना वो बिल्कुल 0 के बराबर है। आप सांगली, कोल्हापुर जाके देखिए, वहाँ लोगों के जानवर मर चुके हैं डूब डूब करके, उनके घर तबाह हो गए हैं। ये छोटी सी चीज़ें हैं, मुमरा में इतना बड़ा शहर है मुमरा का, वो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई बात आएगी तो जमीतुल्मा उनके लिए भी खड़ी होगी। इस वक्त भी जो हालात हमारे महाराष्ट्र में आए हैं, बिलखसूस सांगली, कोल्हापुर के इलाकों में, इसमें अभी जो जमीतुल्मा महाराष्ट्र ने हमसे जो उम्मीद जताई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, तो उसके लिए हम तमाम अहलियान मुमरा कौसा से दरख्वास्त करते हैं और पुरजोर और बसत एहतरा में दरख्वास्त करते हैं कि हमेशा साबिका की तरह इस मरतबा भी दिल खोल कर अल्लाह की ज़ात आली पर भरोसा करते हुए आप ताउन करें, इंशाअल्लाह उसका बदला आप दुनिया में भी पाएंगे और आखिरत में भी पाएंगे। ऐसे में लोगों का घर बनाकर देने के लिए जिस तरह से जमीयतुल उलमा हिंद ने ऐलान किया है, आपको बता दें कि लाखों लोग इस बाढ़ में बेघर हुए थे, कितनों ने अपनों को खो दिया। इस बाढ़ ने एक हंसता मुस्कुराता घर उजाड़ दिया, पर ऐसे में कोई इन्हें आसियाना बनाकर देने के लिए अब सामने आया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।